गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं आपके सामने इट, ठीक है, यूज ऑफ इट एज अ प्रोनाउन। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट करते हैं, तो आइए सीखते हैं। पहला रीजन है हमारा इट को लगाने का, टाइम पूछने और बताने के लिए। जब भी हम किसी से टाइम पूछते हैं या किसी को टाइम बताते हैं तो वो हमें सेंटेंस इट से बनाना चाहिए। जैसे कि हमने किसी से पूछा भाई कितना टाइम हुआ है, तो हम पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। या फिर हम किसी को बताएंगे कि हाँ जी 10 बज गए हैं, ओके इट इज 10 o'clock, ओके इट इज 9:30। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे टाइम पूछने और बताने का, तो वहां पर सब्जेक्ट का काम आपके सेंटेंस में इट को करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस है व्हाट टाइम इज इट, ये जो इट है यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या समय हुआ है, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, अभी 10 बजे हैं, राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी अभी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारा, दूसरा रीजन है हमारा इट को यूज करने का, जब भी आप जानवरों के बारे में बात करते हैं, कीड़े मकोड़ों के बारे में बात करते हैं या किसी निर्जीव वस्तु के लिए बात करते हैं, और उन चीजों के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी कीड़े मकोड़े के लिए, किसी वस्तु के लिए, जब यह या वह शब्द आपके सेंटेंस में आता है तो आप इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने लिखा पहले सेंटेंस में इट इज अ लिजर्ड, यहां पर मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं लिखी है, यह एक छिपकली है, इट इज एन एलिफेंट, यह एक एलिफेंट है मतलब हाथी है, इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है। मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं लिखी क्योंकि बहुत इजी सेंटेंसेस है, आपको आते होंगे। यहाँ पर हम इट को बेसिकली सीख रहे हैं इसलिए मैंने ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया। ये इज एम आर का सेंटेंस है, इट इज अ लिजर्ड, यह एक लिजर्ड है, छिपकली है, इट इज एन एलिफेंट, यह एक एलिफेंट है, इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है, ठीक है। तीसरा रीजन है हमारा इट को लगाने का, मौसम, सर्दी गर्मी बरसात वाले वाक्य, जैसे कि मौसम से रिलेटेड वाक्य है। जब हम किसी को बता रहे थे भाई आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, देखो बारिश हो रही है, तो ये सारे सेंटेंस मौसम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि इट इज रेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका, इट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी कोल्ड टूडे, आज बहुत ठंड है, या इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ठंड थी। तो जब भी हम मौसम के बारे में बात करेंगे तो भी हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फोर्थ रीजन है हमारा, किसी बात या व्यक्ति पर जोर डालकर कुछ कहना, जोर डालने का मतलब है एम्फैटिकली, राम ही है जिसने शरारत की है, तो हम राम पर इस शब्द पर जोर डाल रहे हैं यहां पे कि भाई किसी और ने नहीं, राम ने ही शरारत की है, इट इज राम Who has done mischief? यहाँ पर who किस लिए यूज हुआ है, जिसने शब्द के लिए, इट इज राम who has done mischief, ठीक है। की है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद has have लगाया है और थर्ड फॉर्म लगाई है, इट इज राम who has done mischief। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वॉज यू, तुम ही थे, who was telling a lie, जो झूठ बोल रहे थे, who was telling him, sorry, it was you, तुम ही थे, who was telling him, जो उसे बता रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हम तुम ही थे इस शब्द पर जोर डाल रहे हैं। तो जब हम एम्फैटिकली यानी कि जोर लगाकर किसी पर, किसी बात पर, किसी व्यक्ति पर कुछ कहते हैं तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जब भी हम टाइम पूछते या बताते हैं तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु, जानवरों या कीड़े मकोड़ों के लिए यूज करते हैं तो इट का प्रयोग करते हैं। एज अ सब्जेक्ट, भूलना नहीं है, एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।